नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्वोत्तर के हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के अपने दो दिवसीय दौरे के लिए आज इम्फाल पहुंचे हैं। यहां से वह चुराचांदपुर जिले के लिए रवाना हुए, जहां वह पिछले महीने की शुरुआत में पूर्वोत्तर राज्य में हुई जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से मिलने के लिए राहत शिविर का दौरा करेंगे। लेकिन चुराचांदपुर के रास्ते में राहुल गांधी का काफिला रोक दिया गया है। मणिपुर में इस साल मई में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से 300 से अधिक राहत शिविरों में करीब 50,000 लोग रह रहे हैं। राहुल का काफिला बिष्णुपुर जिले में रोका गया है। वह इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए हैं। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से राहुल गांधी को आगे जाने से रोका है। बता दें कि हिंसाग्रस्त मणिपुर के कंगपोकपी जिले के हर होटल गांव में बृहस्पतिवार को सुबह कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी की शुक्रवार को इम्फाल में राहत शिविर का दौरा करने और बाद में कुछ नागरिक संगठनों के सदस्यों से बातचीत करने का भी योजना है। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा के बाद यह कांग्रेस नेता का पूर्वोत्तर के इस राज्य का पहला दौरा है। बता दें कि मणिपुर में मेड़ती और कुची समुदाय के बीच मई की शुरुआत में भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। मणिपुर की 53% आबादी मैती समुदाय की है और यह मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहती है। वही नगा और कुफी जैसे आदिवासी समुदाय की आबादी 40% है और यह मुख्यतः पर्वतीय जिलों में रहती है।